हे दोस्तों, सो इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ और अमेजिंग पॉइंट्स फ्रॉम द बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस बुक की एक प्री प्रिंट कॉपी चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस बुक के ऑथर डेविड बताते हैं कि एक बार उनकी मुलाकात एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की HR से हुई थी। वो HR एक साल में ऑलमोस्ट 4 महीने कई बड़े बड़े कॉलेजेस में जाती एंड ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लेती सो दैट उन्हें जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट के लिए हायर किया जा सके। बट इस प्रोसेस से वो खुश नहीं थी। उनकी चिंता का कारण था जिन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के वो इंटरव्यू लेती थी उनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड थे बस एक ही चीज़ में, रिटायरमेंट प्लान, जबकि उन्हें हायर किया जाना था जूनियर से सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, टीम्स लीड करने के लिए, नए नए आइडियाज़ को लाने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज करने के लिए एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट का विजन था न्यू ग्रेजुएट्स को हायर करना, उन्हें ट्रेनिंग देना ताकि आगे चलकर वो और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाले, कंपनी को और ग्रो करने में मदद करें एंड साथ ही उन लोगों की भी ग्रोथ हो। अब जरा सोचिए 20 से 22 साल के यंग एनर्जेटिक लोग जो अगर चाहे तो दुनिया बदल सकते हैं, जिनका फोकस ग्रोथ पर होना चाहिए, कुछ बड़ा अचीव करने पर होना चाहिए, उनके एम्बिशंस इतने मामूली से थे। उनकी सोच बहुत नैरो माइंडेड थी, बस इसीलिए वो HR कभी ऐसे स्टूडेंट्स को हायर नहीं करती थी। इस स्टोरी से रेफरेंस लेकर ऑथर बताते हैं कि आपका बैंक बैलेंस आपकी सोच पर डिपेंड करता है। मतलब जितनी बड़ी आपकी सोच होगी, बड़े बड़े गोल्स आपके होंगे, उतने ही ज्यादा अमीर आप बनोगे। अब अगर हम वापस आए इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट पर, जिसमें हमने देखा था कि जैक पिज्जा शॉप का ओनर एंड उसके जैसे लाखों बिजनेस ओनर्स बस एक छोटा सा बिजनेस चलाते चलाते अपनी लाइफ वेस्ट कर देते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ हमारे जैसे साधारण लोग जिनकी सोच ऑब्वियसली साधारण नहीं होती, बड़ा सोचते हैं एंड एक्शंस लेते हैं एंड फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक बनते हैं। अगर आपने इस बुक की समरी का पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, आप वो लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। हाउ टू मेजर योर ट्रू साइज। हम में से ज्यादातर लोग जो हैं उनकी एक बहुत ही बेकार हैबिट है खुद को अंडर वैल्यू करना। एंड सबसे सैड बात यह है कि दुनिया हमें उतना अंडर वैल्यू नहीं करती जितना हम खुद को करते हैं। अरे यार, मैं कैसे रिया को प्रपोज करूँ, वो तो इतनी सुंदर है, ऐसी है, वैसी है, एटसेट्रा। या यार, मैं कैसे HR को बोलूँ कि मुझे 8 लाख का पैकेज चाहिए, मैं तो इतना डिजर्व भी नहीं करता हूँ। एंड ऐसे ही कई बातें सोच सोच कर पूरा दिन हम खुद को अंडर वैल्यू करते रहते हैं। अगर आपको सच में सक्सेसफुल होना है या जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो एंड वो सब अचीव कर सकते हो जो अभी आपको इम्पॉसिबल लगता है। एंड इसे करने के ऑथर एक बहुत ही आसान मगर बहुत ही इफेक्टिव तरीका बताते हैं। नंबर 1, डिटरमिन योर एसेट्स। सबसे पहले पेपर पर उन सभी चीज़ों को लिखे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है एंड आगे भी रहेंगी, जैसे एजुकेशन, कोई स्किल, आपका इंटेलिजेंस, सपोर्टिव पेरेंट्स या फिर ऐसी क्वालिटीज जिसकी वजह से लोग आपकी तारीफ करते हैं या आपको पसंद करते हैं, जैसे आप हार्डवर्किंग हो सकते हो, आप टाइम वेस्ट नहीं करते, डिसिप्लिन हो, ऑनेस्ट हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हर एक एसेट के नीचे उस पर्सन का नाम लिखिए जिसे आप जानते हैं या आपने उनके बारे में कहीं पढ़ा है या सुना है एंड वो एक सफल इंसान है। उनके पास ये एसेट या इनमें से कोई एक एसेट नहीं है। अब इससे आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपके पास एडिशनल एडवांटेज है या आप अच्छी कंडीशन में हैं एज कम्पेयर टू उस सक्सेसफुल पर्सन की इन टर्म्स ऑफ पर्सनल एसेट्स। एग्जाम्पल, विजय शेखर शर्मा कोई बैंकर नहीं है बल्कि उन्होंने तो बीटेक की थी, फिर भी उन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा पेमेंट्स बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक खड़ा कर दिया। ऐसे ही स्टीव जॉब्स के पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, इनफैक्ट उनके फ्रेंड स्टीव वॉजनियाक ने ही एप्पल के शुरुआती कंप्यूटर्स को बनाया था, फिर भी स्टीव जॉब्स ने एप्पल को दुनिया की सबसे फेमस टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज में से एक बना दिया। अब हम में से कई लोग एक अच्छे इंजीनियर भी होंगे जिन्हें काफी टेक्निकल नॉलेज है या फिर एक बैंकर, ऐसे केस में वो क्या चीज है जो हमें रोक रही है कुछ बड़ा करने से? गेस व्हाट, वो है हमारी छोटी सोच। सी व्हाट कैन बी, नॉट व्हाट इट इज। अगर कोई आपसे बोले भाई क्या कर रहा है तू, क्यों इंजीनियरिंग कर रहा है या इतनी रेप्यूटेड MNC में एक कुशी जॉब कर रहा है, छोड़ ये सब यार एंड एक चाय की दुकान स्टार्ट करते हैं, आजा, अब इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? वेल,
जैसे ज्यादातर लोगों का होना चाहिए वैसे ही। आप बोलोगे भाई पागल है क्या, आप हंसोगे उस पर्सन पर एंड उसे मना कर दोगे। यही होती है छोटी या नैरो थिंकिंग, जो कभी हमें सक्सेसफुल या अमीर बनने नहीं देगी। बिकॉज जब उस पर्सन ने आपसे चाय की दुकान खोलने का बोला तो आपके दिमाग में एक इमेज बनी एंड आपने देखा एक रोड, रोड के किनारे एक पुरानी सी चाय की शॉप, कमाई 10 से 12 हज़ार महीने या ऐसा ही कुछ। मगर एक बंदा जो बड़ी सोच रखता है उसके दिमाग में आता है एक रोड, रोड के किनारे एक ठीक ठाक सी चाय की शॉप, कुछ ही सालों में ऐसी 20 दुकानें शहर के अलग अलग कोनों में, कमाई एक शॉप से अराउंड 10 हज़ार, मतलब ऐसी छोटी छोटी 20 शॉप से 2 लाख रुपए हर महीने। ऐसे ही चाय की दुकान जैसे छोटे काम को इतना सक्सेसफुल बनाने एंड साथ ही साथ खुद भी अमीर बनने का एग्जाम्पल है प्रफुल्ल बिल्लोरे, MBA चाय वाला के फाउंडर, जो कि एक बहुत ही फेमस इंटरनेट पर्सनैलिटी बन चुके हैं एंड आपने भी उनके बारे में जरूर सुना होगा। द केस ऑफ द ब्लाइंड मिल्कमैन। कुछ साल पहले एक दूध वाला जो काफी यंग था ऑथर के घर आता है एंड ऑथर से पूछता है कि वो उससे दूध लेना चाहेंगे। ऑथर बोलते हैं हमारे घर ऑलरेडी एक और दूध वाला दूध देकर जाता है एंड हम उसके दूध की क्वालिटी से काफी खुश है, बट तुम एक काम कर सकते हो, हमारे साथ वाले घर में एक फैमिली रहती है, उनसे बात करो, वो तुमसे जरूर दूध खरीदेंगे। इस पर दूध वाला थोड़ा चिढ़ता है एंड बोलता है मैं उस लेडी से पहले ही बात कर चुका हूँ, वो फैमिली तो बस 250 मिलीलीटर दूध यूज करती है एंड इतना सा दूध वो 2 दिन भी चला लेते हैं, इसलिए उस लेडी के घर पर दूध डिलीवर करना प्रॉफिटेबल नहीं। ऑथर उसकी बात सुनते हैं एंड उससे बोलते हैं हाँ यार तुम सही कह रहे हो, बट क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि वो लेडी प्रेग्नेंट है एंड कुछ ही महीने में उस घर में एक नया मेंबर आने वाला है जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा दूध कंज्यूम करेगा। ऑथर की इस बात को सुनकर दूध वाले को अपनी गलती का एहसास हो जाता है एंड वो कहता है एक आदमी कभी कभी कितना अंधा हो जाता है। आज वही सेम लेडी जिसकी फैमिली 250 मिलीलीटर दूध को 2 दिन चलाती थी उसी यंग दूध वाले से लगभग 1 लीटर दूध खरीदती है, वो भी हर रोज। उस लेडी के अब 4 बच्चे हैं एंड दूध वाला ऑथर को बताता है जल्द ही उस लेडी के एक और बच्चा होने वाला है जिसकी वजह से उस घर में दूध की और डिमांड होगी एंड बिकॉज ऑफ दिस मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो भाई ये थे कुछ और पॉइंट्स फ्रॉम द बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस बुक की एक फ्री कॉपी चाहिए तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। उसके बाद इस ईमेल आईडी पर अपना पूरा नाम एंड एड्रेस मुझे ईमेल कर दें। किसी एक यूजर को जिसका कमेंट मुझे पसंद आएगा मैं उसे इस बुक की एक फ्री कॉपी मेल कर दूंगा। तो चैनल को विजिट करें एंड और भी नॉलेज एंड लर्निंग से भरी वीडियोस को देखें। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देखते रहें समर बुक। थैंक यू।